होली प्रेम का त्यौहार, होली रंगों का त्यौहार, होली उत्साह का पर्व, होली एकता और भाईचारे का त्यौहार। और इस बार की होली तो अद्भुत है। पिछले 2 सालों से कोविड के कारण हम होली नहीं मना पाए थे, लेकिन अब कोविड नियंत्रण में है, प्रदेश का माहौल उत्साह से और आनंद से भरा हुआ है। आम के बोरों की महक पूरे प्रदेश में बिखरी हुई है। टेसु पलाश के फूलों का रंग अलग दृश्य उपस्थित कर रहा है। किसान की फसलें पककर तैयार हैं। गेहूं की छटा खेतों में अद्भुत लगती है। इस बार रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना है और किसान की फसलों के रेट भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। अभी अभी फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में 7,618 करोड़ रुपया डाले गए। पिछले 2 सालों में फसल उपार्जन के पैसे मिलाकर बिजली की सब्सिडी, 0% ब्याज पे कर्जा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, राहत की राशि अगर सब मिला ली जाए तो 1,72,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में आया है। और अभी अभी हमने तय किया है कि पिछली सरकार के लोगों ने वादा किया था 2 लाख तक के कर्जा माफ। इस धोखे में कई किसान डिफॉल्टर हो गए, कर्जा नहीं चुकाया था, उनका ब्याज भी भरने का हमने फैसला किया है। कोविड के काल में बिजली के बिल स्थगित कर दिए गए थे, अब वो बिल बड़े बड़े आ रहे थे और इसलिए हमने फैसला किया कि गरीब के सिर पर इन बिलों को बोझ नहीं बनने देंगे। और इसलिए कोविड काल के 88 लाख से ज्यादा भाई और बहनों के परिवारों के 6,400 करोड़ रुपए के बिजली के बिल अब हम भरवाएंगे। कर्मचारी भाइयों को भी 11% महंगाई भत्ते की सौगात, जो लगभग 6,000 करोड़ रुपए होती है, दी गई है। बच्चे भी अब स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षाएं हो रही है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, होली पूरे उत्साह के साथ मनाइए, आनंद के साथ मनाइए। सभी गिले शिकवे भूल जाइए। अगर कहीं दिलों में दीवार हो तो तोड़ दीजिए, प्रेम की गंगा बहाइए। हम सब मिलकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए काम करें। होली उत्साह से मनाए, जोश से मनाए, आनंद से मनाए, लेकिन शालीनता से भी मनाए। और होली जब जलाएं तो कृपया करके पेड़ नहीं काटना है, पेड़ तो लगाना है। अगर होली जलाना है तो गोकाष्ठ खरीद के लाइए, मतलब गाय के गोबर से बना हुआ, उसको गोकाष्ठ कहते हैं। मैं भी गोकाष्ठ से ही होली जलाऊंगा, लकड़ी नहीं। अभी गोकाष्ठ ही जलाइए। होली बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है, इसलिए अच्छाई हम अपने अंदर धारण करें, क्योंकि अंततः विजय अच्छाई की होती है, सच्चाई की होती है। एक अपील और है, स्वच्छ सर्वेक्षण चल रहा है स्वच्छता का, अपने गांव और शहर को स्वच्छ रखिए ताकि स्वच्छता में प्रदेश नंबर 1 पर आ जाए।
अपने गांव को आगे बढ़ाने के लिए, अपने शहर को आगे बढ़ाने के लिए हमारी भी तो ड्यूटी है। इसलिए गांव का गौरव दिवस मनाइए, शहर का गौरव दिवस मनाइए, और अपनी तरफ से जरूर अपने प्रदेश के लिए कुछ ना कुछ, अपने गांव के लिए, शहर के लिए कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। आओ मेरे बहनों और भाइयों, प्रेम के इस पर्व को, उल्लास के इस पर्व को, आनंद के इस पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाए, गिले शिकवे भूल जाए, और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाए। होली की शुभकामनाएं, भगोरिया की भी राम राम, रंग पंचमी की भी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।